कांग्रेस चुनाव तो मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर लड़ रही है, लेकिन ये शक्ति प्रदर्शन सिर्फ छिंदवाड़ा सीट पर है, क्योंकि यहां से चुनाव लड़ रहे हैं मध्य प्रदेश के एकमात्र सांसद नकुल नाथ, जिनका पर्चा भरवाने कमलनाथ और कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पहुंचे। पर्चा भरने के बाद कमलनाथ ने कहा कि छिंदवाड़ा के लिए विकास कार्य के कारण उन्होंने परिवार की ओर नहीं देखा। मैंने अपनी जवानी समर्पित कर दी, अपने परिवार की ओर नहीं देखा, अपने स्वास्थ्य की ओर नहीं देखा कि छिंदवाड़ा की पहचान। भले ही उन्होंने परिवार की ओर ना देखा हो, लेकिन छिंदवाड़ा से टिकट अपने परिवार को यानी बेटे को दिलाया। बेटे नकुलनाथ ने भी विकास कार्य का श्रेय खुद ही लिया और जो विकास नहीं हुआ उसका आरोप तुरंत ही बीजेपी पर लगा दिया। हमारी सरकार ना होने के बाद भी मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर कॉलेज, हॉर्टिकल्चर कॉलेज खोलने का प्रयास किया, लेकिन जैसी हमारी सरकार गई, इन्होंने यूनिवर्सिटी का बजट, हॉर्टिकल्चर का बजट, मेडिकल कॉलेज का बजट सब ठप कर दिया। लेकिन इन सब के बीच कमलनाथ ने छिंदवाड़ा की एक नई पहचान बताई, जो कि इन दिनों चुनावों में सबसे बड़ी पहचान बन गई। छिंदवाड़ा का नाम लोग पहचानते थे, नक्शे में एक छोटी सी बिंदी हुआ करती थी छिंदवाड़ा, और आज छिंदवाड़ा की जो पहचान है केवल मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में, आप जहां भी जाए कह सकते हैं हम से। कमलनाथ ने ये बात विकास के मामले में बोली थी, लेकिन ये बात एकदम सटीक बैठती है इन लोकसभा चुनावों में, क्योंकि इस सीट की चर्चा न केवल अब मध्य प्रदेश बल्कि छिंदवाड़ा लोकसभा सीट की पहचान दिल्ली तक पहुंच गई है। एकमात्र कांग्रेस सीट होने की वजह से केंद्र के मंत्रियों की नजर भी छिंदवाड़ा जीत कर कांग्रेस को साफ करने पर है। यही कारण है कि बीजेपी बंटी साहू जैसे एक नए नेता का पर्चा भरवाने भी गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। कमलनाथ जिस छिंदवाड़ा को नक्शे में पहचान दिलाने की बात कह रहे हैं, वहां कैलाश विजयवर्गीय लगातार कांग्रेसियों को छिंदवाड़ा में तोड़कर बीजेपी ज्वाइन करवा रहे हैं। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा में मतदान 19 अप्रैल को है। छिंदवाड़ा में पुरुष मतदाता 756,428 हैं और महिला मतदाताओं की संख्या 724,045 है। आपको बता दें कि साल 1971 से लेकर 2019 तक में सिर्फ साल 1997 में बीजेपी के लिए सुंदरलाल पटवा ने एक बार जीत हासिल की थी। ऐसे में बीजेपी के लिए ये गढ़ जीतना साह का सवाल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़।